बिल्कुल गुड मॉर्निंग क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिवर वॉर्ट एंड मॉसेस. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस द लिवर वॉर्ट्स. एज द वर्ड इंडिकेट्स, लिवर लाइक स्ट्रक्चर. एक्चुअली दीज लिवर वॉर्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द एल्गी. सो दे हैव नॉट अ पर्टिकुलर प्लांट बॉडी. दे हैव द थैलस लाइक स्ट्रक्चर. सो द फर्स्ट थिंग अबाउट दैम दैट देयर बॉडी इज लाइक अ थैलस, नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्टेम रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दे हैव स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड शूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन दैम. सो द बॉडी इज लाइक अ थैलस विच रिजेंबल्स लाइक एल्गी. सो द हैबिटाट इज सेम लाइक ऑल ब्रायोफाइट्स, शेडी हैबिटाट्स, मॉइस्ट हैबिटाट्स और बेसिकली ऑन द हिली एरियाज. एंड समटाइम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द वुड्स. कभी कभी ये वुड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं. बेसिकली दीज लिवर वॉर्ट्स हैव डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. डॉर्सी वेंट्रल आगे पीछे से दोनों से क्या होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि बॉडी पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. राइजोइड्स जो होते हैं इनमें वो सिंपल होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड. और यही राइजोइड्स इनको इनके सबस्ट्रेशन से, इनके बेस से इनको अटैच करने में हेल्प करते हैं. अनदर थिंग, एक और चीज लिवर वॉर्ट्स के बारे में जो है, जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. इट मींस बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है एंड एवरी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक नया मेथड यूज करते हैं, एक नया तरीका होता है इनमें. इनमें प्रेजेंट होते हैं एक रिसेप्टिकल, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर जिनको कहते हैं हम गैमा कप्स. इन गैमा कप्स में कुछ असेक्चुअल स्पोर्स बनते हैं, असेक्चुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं जिनको कहते हैं हम गैमा. ये सारी प्रोसेस अनफेवरेबल कंडीशन में होती है. एंड व्हेन दीज लिवर वॉर्ट्स गेट द फेवरेबल कंडीशन, दीज गैमा रिलीज्ड फ्रॉम द गैमा कप. And wherever they get the favorable environment, the most environment, it is start to produce a new liver wart. और फिर से एक नया liver wart, नया thallus बनाना ये शुरू कर देता है. So these are the two things, vegetative, okay, and another is asexual reproduction. And sexual reproduction as same, मैंने life cycle show करी थी previous video में. Sexual reproduction वही होता है same, anthridia और आर्चिकोनिया जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. एक चीज है यहाँ पर, लिवर वॉर्ट्स में हो सकता है एक ही थैलस में दोनों प्रेजेंट हो, आर्चिकोनिया एंथ्रीडिया. इट मींस बाइसेक्चुअल कंडीशन हो गई, मोनोशियस कंडीशन हो गई. और ये भी हो सकता है कि थैलस अलग अलग हो, मेल थैलस अलग हो, फीमेल थैलस अलग हो. तो मेल थैलस में क्या प्रेजेंट होगी, एंथ्रीडिया प्रेजेंट होगी, जिसमें क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइट्स बनेंगे. और जो फीमेल थैलस है उसमें क्या बनेगी, आर्चिकोनिया, जिसमें ओवर प्रोड्यूस होगा. दोनों वाटर के मीडियम के थ्रू आपस में मिलेंगे, फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, जो हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था. स्पोरोफाइट किसके ऊपर डेवलप होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर ही. क्यों, बिकॉज स्पोरोफाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स फूड बाय इट्स ओन, जबकि जो गैमेटोफाइट है इसका वो फोटोसिंथेटिक, वो अपना फूड बना सकता है. स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होगा, फूड सीटा कैप्सूल, तीन पार्ट होंगे. कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होंगी, स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर सेल जब बस्ट होगा कैप्सूल तो स्पोर्स डिस्पर्स होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, लिवर वॉर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो कम इलेबोरेट होता है, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता कंपेरेटिवली मॉसेस के. तो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉस को. नेक्स्ट थिंग इज मॉसेस. देखो कुछ चीज़ें यहाँ सेम है, कुछ डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस भी देखते जाएंगे. डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, जो सबसे पहला डिफरेंस है, थैलस लाइक बॉडी नहीं होती, एक स्मॉल ट्री लाइक बॉडी होती है. रिजेंबल करती है ट्री से, इलेबोरेट होती है थोड़ी सी बॉडी, जहां पर आपको रूट की तरह स्ट्रक्चर राइजोट्स की फॉर्म में दिखेगी, स्टेम की तरह भी दिखेगी, लीव्स की तरह भी स्ट्रक्चर आपको साफ दिखाई देगी. थैलस बॉडी नहीं होती, सिंपली हमें सारे ऑर्गन्स दिखाई देते हैं. हैबिटाट शेडी मॉइस्ट, वही हिली एरियाज में होता है. बॉडी फ्लैट नहीं है क्योंकि बॉडी एक ट्री की तरह सारे पार्ट्स हमें शो हो रहे हैं. दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं यूनिसेल्यूलर अनब्रांच, लेकिन यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं वो होते हैं मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड.
ओके, मल्टी सेल्यूलर होंगे और क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर, तो वहाँ जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा था, ऐसे यहाँ पर होता है। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर कोई गैमा नहीं प्रेजेंट होते, कुछ बर्ड्स बनती हैं जिनको लिटरल बर्ड्स कहते हैं हम, वो बर्ड्स जब अच्छी कंडीशन मिलती है उनको तो तब जाके वो डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। अब जो उसकी शुरुआत है लाइफ साइकिल के लिए वो कहाँ से होती है मोसिस की, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे स्पोरोफाइट जब फटता है तो क्या रिलीज होते हैं, स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये स्पोर डेवलपमेंट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, लेकिन वो तुरंत ट्री लाइक, स्मॉल ट्री लाइक नहीं लेगा, वो सरफेस पर इस तरीके से पैरेलली छोटी सी एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा। इन्हीं प्रोटोनीमा पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और यही बर्ड्स डेवलपमेंट करके आपका जो प्लांट है वो बनाना शुरू कर देती हैं। इट मीन्स प्रिमिटिवली द प्रोटोनीमा इज फॉर्म्ड, पहले प्रोटोनीमा बनता है सरफेस के पैरेलल और फिर इन्हीं में से लेटरल बर्ड्स निकलती हैं जो डेवलपमेंट करके एक नया प्लांट बनाती हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन लिवरवॉर्ट एंड मोसिस। नाउ आई विल शो यू द डायग्राम, डायग्राम में अब आपको शो कर देती हूँ मैं कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है। सी दैट देयर आर टू स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट इज द मार्केशिया विच इज अ लिवरवॉर्ट, यू कैन सी दैट लिवर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, एंड अनदर इज द मॉस, एंड द एग्जाम्पल ऑफ मॉस इज प्यूनेरिया विच सीम्स लाइक अ स्मॉल ट्री, स्मॉल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। Now first we observe the Markensia, that is the liverwort. Now you can see that there is a stem-like structure on which leaf-like veins are present. So these are called the leafy appendages. And you can say that ये जो बिल्कुल hilly areas में जो चट्टाने होती हैं वहाँ पर धसा होता है substratum में बिल्कुल, और इसको धसने में कौन help करता है, rhizoids help करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने Anthridia बनाया, इट मीन्स ये कैसा है, ये यूनिसेक्चुअल है, डायोशियस है, मेल और फीमेल थैलस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। इसके अलावा इसकी सरफेस पर क्या मिलते हैं, गैमा कप, जो भी मैंने बताया, ये गैमा कप में जब गैमा पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिस्पर्स होकर नया प्लांट बना देते हैं। नाउ द फ्यूनेरिया विच इज अ मॉस, नाउ यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, साथ साथ में इंटरनली देखेंगे तो मल्टी सेलुलर होते हैं इनके राइजॉइड्स। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में मिलते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चीगोनिया, इट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, जहाँ पर एंथ्रेजॉइड और ओवा बनते हैं, दे फ्यूजेस टुगेदर एंड आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म द स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट बनाते हैं विच डेवलप्स ऑन द गैमेटोफाइट प्लांट, जो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनता है क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकता, इसीलिए ये किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पर। व्हेन द स्पोर मदर सेल्स डिवाइड इन द कैप्सूल एंड प्रोड्यूस द स्पोर, दिस कैप्सूल बस्ट, स्पोर डिस्पर्स इन द एनवायरमेंट एंड स्टार्ट टू डेवलप द पैरेलल स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस विच इज नोन एज प्रोटोनीमा, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रोटोनीमा बनाते हैं, उसमें बर्ड्स बनती हैं जो एक फिर से एक नया मॉस बना देती हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा, लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द टैडोफाइटा, टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।